जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप सभी को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगी। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है इंडिया की, जो कि जितने भी हमारे स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हैं, एजेंसीज हैं, उनको प्रमोट करती है, डेवलप करती है, इम्प्लीमेंट करती है। इसका काम है जो हमारे नेशनल टीम्स हैं, इंडिया की जो नेशनल टीम्स हैं, वो मेजर डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, तो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनके लिए प्लानिंग करना, मैनेजमेंट करना। जैसे जितने भी हमारे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनमें टोटल 11 रीजनल साइंस सेंटर्स हैं, जो कि वहाँ के एथलीट्स को प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं ताकि वो अपने स्पोर्ट्स की, अपने गेम की प्रॉपर ट्रेनिंग कर सके। उनको वेल एजुकेटेड कोचेज, ट्रेनर्स और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और उनको एक साइंटिफिक ट्रेनिंग मिल सके, जिससे इंडिया के जो एथलीट्स हैं वो इंटरनेशनली कॉम्पिटिशन्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके और अच्छे से अच्छा जो उनकी अचीवमेंट है उसको अचीव कर सके। ये इसकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसकी ऑर्गेनाइजर बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसके अंदर दो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड सेकंड है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। साई के जो 11 रीजनल सेंटर्स हैं वो है चंडीगढ़ में, सोनीपत में, उत्तर प्रदेश में, असम में, मणिपुर में, वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में और महाराष्ट्र, गुजरात और केरला में। इसके जो है 11 रीजनल सेंटर्स हैं साई के, जो कि डिफरेंट प्लेयर्स को उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए गाइड करते हैं, अच्छे कोचेज और ट्रेनर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि वेल एजुकेटेड होते हैं। जीरकपुर में साई का नया सेंटर खुलने वाला है। ये साई की कुछ मेजर स्कीम्स हैं, जैसे सेंटर ऑफ एक्सेलरेंस स्कीम, साई ट्रेनिंग सेंटर स्कीम STC, स्पेशल गेम्स स्कीम, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट, कम एंड प्ले स्कीम। इसके अलावा इसके कुछ प्रोग्राम्स भी हैं। ये पूरा एफर्ट लगाते हैं जितनी भी हमारी भारतीय टीम्स हैं उनका विकास करने में, और डिफरेंट जो भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे नेशनल गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, वर्ल्ड कप्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स में जितनी भी भारतीय टीम्स हैं उनको चीयर अप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये प्रॉपर एफर्ट्स लगाते हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे मेडलिस्ट होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए सेरेमनीज़ का भी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनका अच्छे से स्वागत हो सके और उनको और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।